देखो ऐसा साइन करो और दफा हो जाओ। करो साइन। अरे प्लीज ऐसा साइन करो काव्या साइन। तो देखो जल्दी करो वक्त नहीं हमारे पास। बड़ी मुश्किल से हम साथ हुए हैं, अब कभी अलग नहीं होंगे। कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर सकता माय लव। तेरा नंबर वन फैन, तेरा वन एंड ओनली प्यार हूं। हम साइन भी करेंगे। कभी नहीं और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे इल्जाम गलत है। तुम जितने दोष हमारे ऊपर डाल रहे हो ना, वो सब बेबुनियाद है। हम इस पे साइन नहीं करेंगे क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चाहे तुम हमें धोखेबाज कहो, हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जानते हैं कि ना हमारा प्यार झूठा था, नहीं हमारा कोई वादा झूठा था। तुम्हें अब हम पर यकीन नहीं है, कभी नहीं। तुम बदले हो आदि, हम नहीं। अगर आज तुम्हें हमारी किसी भी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, अपने प्यार को नहीं छोड़ेंगे, अपनी शादी के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्यार, ये हमारे शादी का रिश्ता टुकड़े टुकड़े होके बिखर गया, अब जोड़ने का कोई चांस ही नहीं है काव्या। तुमने पेपर फाड़ दिया ना, कोई बात नहीं। गुप्ता जी, हम 100 पेपर और लाएंगे, ऐसे कागजों का पहाड़ बना देंगे हम, जब तुम साइन नहीं करती। हाँ, तुम्हें एक बार बताना तो भूल ही गया, हमारे कंप्लेंट की वजह से तुम सस्पेंड हो गए। क्या था वो तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नया टाइटल नॉट IAS काव्या बंसल। कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, नो रुतबा, नो औहदा, कुछ भी नहीं, सब खत्म। कोई तुम्हें देखे सलाम भी नहीं ठोकेगा। ये तो बस शुरुआत है। हमारे पास 9 महीने थे प्लानिंग करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज तुमसे छीनेंगे हम काफी अपन से। तुम हमारे सामने गिड़गिड़ाओगे, हमारे पैरों पे गिरोगी, तुम भीख मांगोगे कि तुम्हें छोड़ दे। Thank you.
दादी क्या कह रहा था काव्या? बहुत गुस्से में लग रहा था वो। क्यों कराए हमारी बेल पापा? बच्चा? बच्चा? क्या कर रही है? ये हमारा प्यार, ये हमारी शादी का रिश्ता टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, अब जोड़ने का कोई चांस ही नहीं है काव्या। काव्या? ये हालत हो गई है हमारी शादी की, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है और अब कभी जुड़ नहीं सकती। ये कहा उसने हमसे, बहुत कुछ बदल गया है। आज जिस आदमी से हम मिले ना, वो नहीं था जिसको हम 9 महीने पहले जानते थे। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज, पर सोच बदल गई, कुछ टूट गया है। ऐसा लगा जैसे कुछ मर गया उसके अंदर। हम बस इतना मना रहे कि बस दिल अब भी वही हो जिससे हमें प्यार हुआ था। हम तो पहले से ही जानते थे उस तबके के लोग ना इंसान की इज्जत करते हैं और ना ही रिश्तों की, फिर भी सीने पे पत्थर रखकर स्वीकार किया कि तुम उस घर की बहू हो। और आज वही हो रहा है जिसका हमें डर था। हमें ना ये सब कुछ भी बातें समझ में नहीं आती, हमें बस इतना समझ में आता है कि ब्याह किया है, कोई मजाक नहीं है। आप जाइए और जाकर आदि से बात करिए, अगर वो मना करता है ना तो हमारी काव्या उस घर में वापस नहीं जाएगी। उसके माँ बाप भाई सब जिंदा है, रख लेंगे अपनी बेटी को अपने घर पर। आप जाइए, आप जाकर बात करिए। नहीं अंजलि, नहीं रखेंगे हम काव्या को अपने घर। अच्छा, जो पूछेंगे उसका साफ साफ जवाब दोगी? क्या तुम आदि से प्यार करती हो? वो आज चाहे जैसा भी इंसान, क्या वही तुम्हारा प्यार है? आदि हमारे दिल में, उसके लिए प्यार हमारे दिल से तभी खत्म होगा जब हम आखिरी सांसें लेंगे। तुम उसके बिना रह पाओगी? लेंगे, पर जी नहीं पाएंगे। कब हमने तुम्हें इतना कमजोर बनाया बच्चा? कब? जो किसी के कहने पे तुम अपना घर छोड़ दो, अपना प्यार, अपना परिवार त्याग दो। आप कहना क्या चाहते हैं? आप उसे उस घर में वापस भेजेंगे जहां उससे सब नफरत करते हैं? समुद्र मंथन की कहानी तुम ही ने सुनाई थी ना अंजलि। शिवजी ने विष पीकर देवी देवताओं यहां तक कि राक्षसों को भी बचाया था। अमृत प्राप्ति के लिए कभी कभी विष पीना पड़ता है बच्चा। क्या जरूरत है उसे? आदि को गरज होगी तो वो यहां आएगा, यहां आकर उसे मनाएगा और लेकर के जाएगा। ये वहां नहीं जाएगी। वो यहां से क्यों जाएगी? क्योंकि हमने कमजोर बेटी नहीं पैदा की है अंजलि। वो लड़की नहीं हो जो डर के पीछे हट जाती है, तो काव्या हो। काव्या जो डर को हराकर हर हक हासिल करती है। और बच्चा, हम तो है ही ना तेरे पास। कभी भी माँ का आंचल याद आए, पापा की
गोद या भाई की झप्पी तो आ जाना हमारे पास। पर मैदान छोड़ के नहीं भागेगा हमारा हिम्मत से। नहीं, परेशान मत हो, तू हमारी बात सुन। मैं बस ये कह रहा हूँ, 9 महीनों में हमने सब कुछ खो दिया, घर परिवार नौकरी रुतबा सब वापस चाहिए। वो सब जो हमसे छिन गया है वो सब वापस पाना है हमें। बच्चा, ये प्यार को बचाना है हमें। आदि के दिल से नफरत मिटा के प्यार के लिए जगह बनानी। हाँ, हमारा हिम्मत सिंह। रुकिए, तेरी जिसमें खुशी ध्यान रखना अपना। पर दीदी ये करोगी कैसे? सबसे पहले हमारे सर पे जो इल्जाम लगा उसे हटाएंगे, पता करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। आ गया हमारा कुलदीपक। इस घर को तुमने दोबारा रोशन कर दिया मेरे बेटे। 56 इंच का सीना बन गया हमारा। बहुत दिनों के बाद हमारे दिल के दर्द को सुकून मिला है बेटे। गर्व है हमें तुम पर। थैंक यू पापा, हमारे होते हुए आपका दिल कोई नहीं दुखाएगा। वादा है हमारा। हमारा स्वागत कोई करेगा भी या नहीं? ऐसे क्या देख रहे हैं? बहु महीनों बाद घर में वापस आई है, एक तिलक एक माला गृह प्रवेश की रस्म कुछ तो करिए। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना इंतजाम खुद से करके आए हैं, हम खुद ही कर लेंगे गृह प्रवेश। देखिए घर में अब तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा, कभी नहीं। गेट आउट। गुस्सा आ रहा है? पर कायदा तो कायदा है ना माय डियर हस्बैंड,
और तुमने हमसे क्या कहा था कि जितना कानून हमें पता है उतना तुम्हें भी पता है। तुमने हमारे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा के नौकरी से सस्पेंड करा दिया हमें। पर कहना कि कानून यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि डिवोर्स पेपर पे साइन अभी तक नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि हम अभी तक मिसेस अधिराज प्रधान ही हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हमें हमारे घर में घुसने से कोई रोक नहीं सकता। आ जाइए आप सब। अच्छा हाँ, आप लोग मिले नहीं है ना इनसे, जानते नहीं है, चलिए हम मुलाकात करा देते हैं। ये हैं हमारी फ्रेंड्स जो कि महिला मंडल से आई हैं। मिलिए, नमस्ते करिए। नहीं, आप ही नमस्ते कर दीजिए। तो देखिए, हम इनसे ये कह रहे थे कि अभी तक डिवोर्स पेपर पे साइन हुए नहीं, तो इसका मतलब ये है कि हम अभी तक मिसेस अधिराज प्रधान ही हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हमें हमारे घर के अंदर घुसने से कोई रोक नहीं सकता। हम सही कह रहे हैं ना? हाँ। और अब अगर हमने एक शिकायत कर दी घरेलू हिंसा की, सबके सब जेल जाएंगे। अच्छा, वो शिकायत नामा दिखाइएगा जरा। आदि, तुमने ना हमें बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। डिवोर्स पेपर्स की जो कॉपीज बनवाई ना तुमने, वैसे हमने भी शिकायत नामे की कॉपीज बनवाई है सबके लिए, एक एक है। ठीक है, बांट दीजिए। ये तुम्हारे लिए। सुनो, तुम अपनी ये सुनो बेटा, ट्रैप कर रही है लड़की, जान बूझ करके ऐसी हरकत कर रही है जिससे कि तुम इलेक्शन के पहले ही बदनाम हो जाओ। समझो बात को। पापा जी, क्या हो गया? आप खुशबुजा के क्यों बात कर रहे हैं? जोर से बोलिए ना। आप यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन के पहले युवा अध्यक्ष जी की कुर्सी ना हिल जाए, इस बात का डर है आपको? आदि, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बात मानो इनकी। नीचे रखोगे नहीं? रख दो ना प्लीज। थैंक यू। हमें लोटा उलटने दो वरना आप सबकी लुटिया डूब जाएगी। हटो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.